हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। मेरा नाम है प्रेम सिंह और आप देख रहे हैं अर्निंग प्लान। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से व्हाट्सएप के ऊपर टू फीचर ऑथेंटिफिकेशन को इनेबल कर सकते हो। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि अगर आपका एक खुद का व्हाट्सएप अकाउंट है और आप चाहते हो कि उसकी एकदम सिक्योरिटी बनी रहे, आपका व्हाट्सएप अकाउंट बैन होने से बचा रहे और कोई भी आपके व्हाट्सएप अकाउंट के अंदर बेवजह लॉग इन ना करे, तो आपको अपने व्हाट्सएप अकाउंट के ऊपर टू फीचर ऑथेंटिफिकेशन की सेटिंग जो वो इनेबल रखनी पड़ेगी, जिससे आपका जो व्हाट्सएप अकाउंट है वो एकदम सिक्योर रहे। तो यदि आपको व्हाट्सएप की टू फीचर ऑथेंटिफिकेशन की पूरी प्रोसेस जाननी है, तो इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपने व्हाट्सएप अकाउंट को ओपन कर लिया है, जिसके ऊपर मुझे टू फीचर ऑथेंटिफिकेशन की जो सेटिंग है उसको इनेबल करना है। तो यहाँ पर मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पर देखिए थ्री डॉट का आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, आपको सिंपली थ्री डॉट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। थ्री डॉट के ऊपर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर देखिए सेटिंग्स का आपको एक ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली सेटिंग्स वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। सेटिंग्स वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको अकाउंट का, आपको सिंपली क्या करना है अकाउंट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। अकाउंट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देने के बाद में यहाँ पर देखिए स्टेप टू वेरिफिकेशन के नाम से आपको एक ऑप्शन मिलेगा। हो सकता है ये ऑप्शन जो है दूसरे नंबर पे ना होकर के तीसरे या चौथे नंबर पे आपको मिले, तो आपको सिंपली क्या करना है टू स्टेप वेरिफिकेशन वाला ये जो ऑप्शन है आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा और यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे, तो आपको यहाँ पर इनको अच्छे से रीड कर लेना है। इनको रीड कर लेने के बाद में आपको क्या करना है टर्न ऑन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। टर्न ऑन के ऊपर क्लिक कर देने के बाद में यहाँ पर आपको क्या करना है सिक्स डिजिट का एक पिन डालना है। अभी पिन आपके क्या काम आएगी ये चीज मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, हो सकता है कि इन फ्यूचर आपके टेलीग्राम अकाउंट के अंदर कोई लॉगिन करने की कोशिश करे, हो सकता है आपका मोबाइल जो है उस बंदे के पास में अवेलेबल रहे और वो जो आदमी है वो अपने दूसरे मोबाइल के अंदर आपके व्हाट्सएप अकाउंट को लॉगिन करने की कोशिश करे। तो जैसे ही लॉगिन करेगा तो ओटीपी आएगा, वो ओटीपी को एंटर कर देगा, लेकिन जैसे ही वो ओटीपी को एंटर करेगा, एंटर कर देने के बाद में उससे ये पिन पूछी जाएगी। तो अगर वो इस पिन को नहीं बता पाया तो वो आपके अकाउंट के अंदर लॉगिन नहीं कर पाएगा। इससे ये होगा कि आपका जो व्हाट्सएप अकाउंट है वो यहाँ पर सिक्योर रहेगा। और साथ ही में ये भी चीज ध्यान रखनी है कि आपका जो व्हाट्सएप अकाउंट है उसके ऊपर आपको सिक्योरिटी जरूर रखनी है, जैसे कि फिंगरप्रिंट हो गया या फिर कोई पिन पासवर्ड हो गया, इस तरीके से आपको रखना है आपकी सिक्योरिटी आपके व्हाट्सएप अकाउंट के ऊपर। वैसे तो फ्रेंड्स, यहाँ पर टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर देने के बाद में हो सकता है कि आपसे बार बार जैसे आप व्हाट्सएप को ओपन करोगे तो व्हाट्सएप को ओपन करते से यहाँ पर 6 डिजिट के जो पिन है वो आपसे पूछेगा बार बार में, जब भी आप व्हाट्सएप को ओपन करोगे। तो यहाँ पर आपको सिंपली अगर अपने पिन को यहाँ पर एंटर कर देना है, तो यहाँ पर मैं पिन एंटर कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर मैंने पिन एंटर कर दिया, उसके बाद में वापस से मेरे से पिन एंटर करवाएगा। जो पिन अभी अभी आपने एंटर करी थी वही पिन आपको यहाँ पर एंटर करनी है। अभी अभी मैंने एंटर करा था 1 2 3 4 5 6, तो मैंने इसको वापस से डाल दिया। अब इतना कर लेने के बाद में यहाँ पर देखिए आपको एक ईमेल एंटर करने का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप कोई ईमेल एंटर नहीं करना चाहते हो तो सिंपली यहाँ पर देखिए स्किप का एक ऑप्शन मिल जाएगा, आपको सिंपली स्किप के ऊपर क्लिक कर देना है, आप ईमेल एंटर नहीं कर पाओगे। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप टू स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन कर रहे हो तो यह आपका कर्तव्य बनता है कि आप यहाँ पर ईमेल को जरूर से एंटर करें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी आगे जाकर के हेल्प करने वाली है अगर आप अपने पिन को भूल जाते हो तो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपनी जीमेल आईडी को यहाँ पर एंटर कर दिया है। ईमेल के अंदर अपनी जीमेल आईडी को एंटर कर देने के बाद में मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट का जो ऑप्शन है मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो वापस से मुझसे वही ईमेल पूछेगा जो ईमेल अभी भी मैंने एंटर करी थी, तो यहाँ पर आपको वापस से उस ईमेल को एंटर कर देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने वापस से अपनी उसी जीमेल आईडी को एंटर कर दिया। उसी जीमेल आईडी को एंटर कर देने के बाद मैं सिंपली यहाँ पर देखिए सेव का एक ऑप्शन मिल जाएगा, मैं सिंपली सेव वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। सेव वाले ऑप्शन के ऊपर जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा टू स्टेप वेरिफिकेशन जो है वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। सिंपली यहाँ पर देखिए डन का जो ऑप्शन है मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा अब हमारे मोबाइल के अंदर टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन हो चुकी है। इतना कर लेने के बाद में आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पर बैक आ जाना है और बैक आ जाने के बाद में अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझसे यहाँ पर फिर से टू स्टेप वेरिफिकेशन पे जो हमने पिन डाली थी ना वही पिन यहाँ पर मुझसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर आप जब भी अपने व्हाट्सएप अकाउंट को कुछ टाइम के बाद में जैसे ओपन करेंगे तो वहां यहाँ पर इसी तरीके से आपसे आपकी जो पिन है वो यहाँ पर पूछेगा। तो यहाँ पर मैं अपनी पिन डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 6। जैसे मैं ऐसा करूंगा यहाँ पर आप देख सकते हैं अब मैं अपने व्हाट्सएप अकाउंट को चला सकता हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, यदि कोई भी आपके मोबाइल नंबर को एंटर करके ओटीपी को एंटर करके यहाँ पर आपके व्हाट्सएप अकाउंट के अंदर लॉग इन करेगा तो लॉग इन करते से ही उसको यहाँ पर पिन एंटर करने का ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ पर उसको पिन तो पता है नहीं, फॉरगेट के ऊपर वो क्लिक नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो फॉरगेट पे क्लिक करेगा तो उसको जीमेल आईडी के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी जीमेल है, उसको जीमेल के बारे में नहीं पता,
तो सिंपल सी बात यह है कि वो आपके व्हाट्सएप अकाउंट को लॉग इन ही नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने व्हाट्सएप अकाउंट के अंदर टू स्टेप वेरिफिकेशन की जो सेटिंग है उसको ऑन जरूर कर लें। तो फ्रेंड्स आई होप आपको अच्छे सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि आप किस तरीके से व्हाट्सएप के ऊपर अपने टू स्टेप वेरिफिकेशन की जो सेटिंग है उसको इनेबल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।